हाय दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को सावन पर्व की ना हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार मतलब 19 साल बाद बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है और दो दो सावन है और इस सावन में ना 8 सोमवार का व्रत पड़ रहा है, सावन सोमवार का। और बताइए आप लोग कैसे हैं? तो हमारी वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी। सो गाइस, इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए भी वीडियो नहीं बना रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ा सा मैं कुछ शेयर करती हूँ, तो बस आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो आगे कंटिन्यू रखूँ। और कुछ भाई हैं, कुछ बहन हमारी पूछ रही थी कि माया जी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। तो मैं इस टाइम पे ना मोबाइल बिल्कुल भी यूज करने का बिल्कुल मन नहीं करता था क्योंकि सर में दर्द होता था और यदि मान लीजिए तबीयत वगैरह थोड़ा सही नहीं रहती ना तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है। और अब तो बच्चों का स्कूल भी खुल गया है ना, तो जो भी टाइम बचता है तो बस या फिर थोड़ा आराम करने में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं ये ब्लाउज को रेडी कर रही थी, तो ये बस सावन के ना शुरू दिन में ये देखिए मैंने आज ग्रीन साड़ी मैंने पहना है। सावन में तो ग्रीन ग्रीन ही ग्रीन होता है क्योंकि ये चारों तरफ हरियाली, ये जो बरसात का पानी पड़ता है पौधों में तो पौधे हमारे लगते हैं जैसे नहा धोकर बिल्कुल मस्त मगन हो जाते हैं। और हरी साड़ियाँ पहनना बहुत ही अच्छा लगता है सभी को क्योंकि हरा भरा मौसम, हरा भरा हर जगह चारों तरफ देखो बढ़िया हरियाली हरियाली और हरी हाथ में चूड़ियाँ हो, हरी साड़ी हो, मतलब बहुत ही आनंद आ जाता है सच में, एक अलग से ही अनुभूति होती है। वैसे और महीनों में ना मन नहीं करता है हरी साड़ी पहनने का, इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन इन मतलब बरसात के बाद ये जो सावन आता है ना इसमें हरी भरी साड़ी और हरी चूड़ियाँ उनमें पहनना ना बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग के यहाँ कैसे बारिश हो वगैरह हो रही बताइएगा? हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, कहीं होगी तो रात में होगी, कहीं दिन में होगी, बारिश कर लेगा फिर दोपहर से अच्छी खासी धूप कर लेता है। और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा धूप किया हुआ है। तो आज मैं ना मशीन लेके अपने बैठ गई थी क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी इस ब्लाउज को बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे सोचा आप लोगों से मैं बात भी कर लेती हूँ। सो गाइज, कंटिन्यू रखिएगा आप लोग वीडियो, ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों से मैं वीडियो को शेयर करूँ, ठीक है? तो प्लीज़ गाइस, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग हमारे जो भी वीडियो हैं उनको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए।